सीवान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 से पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में मंसूर आलम चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने क्षेत्र में लोगों के बीच डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान कर जीत दिलाने की अपील किया। इसी क्रम में आज वार्ड 35 के स्थानीय लोगों के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ पर पार्षद प्रत्याशी मंसूर आलम को फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में पार्षद प्रत्याशी मंसूर आलम के द्वारा वार्ड के समस्याओं को दूर कर क्षेत्र का विकास करने का काम किया गया है, जिसको देखते हुए वार्ड की जनता ने अपना समर्थन पार्षद प्रत्याशी मंसूर आलम को दे दिया है। तो आइए आपको सुनाते हैं सम्मान समारोह के दौरान क्या कुछ कहा प्रत्याशी मंसूर आलम को लेकर वार्ड 35 की जनता ने। इस सम्मान समारोह रखे हम मंसूर भाई के लिए, और ये जमीनी नेता है, ठीक है, और हर आदमी के सुख दुख में काम आते हैं, और इनको मतलब हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये छोटा सा सम्मान के लिए। और मेरे जनता से ये अपील है कि मंसूर भाई को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि और आगे ये काम करें और वार्ड के लिए काम करें। अभी तो पहली बार है वार्ड में, अभी तो 29 वार्ड के वार्ड पार्षद रह चुके हैं और 35 बार में इनका पहला है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जनता से ये अपील है कि इनको मौका दे, ताकि आगे ही वार्ड में काम करें, और 35 में पहली बार मौका मिला है तो मौका इनको दिया जाए। कितना विकास किया है अभी तक? 29 में बहुत विकास किए हैं, हमको पता है 29, जबकि हम लोग पड़ोसी में ना है, 29 या 26 पहले पड़ोसी में है वार्ड, तो उसमें बहुत काम किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जनता से अपील करेंगे कि वोट दें इनको, इनका चुनाव निशान है वायु छान साहब 4 नंबर पर है, उनको वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, हम जनता जनार्दन से यही कहेंगे कि भारी से भारी मतों से इनको विजयी बनाए, आग्रह कर रहे हैं बाद से कि इनको विजयी घोषित किया जाए। बाईवान छाप है जो 4 नंबर है, बस यही कहेंगे आप लोग से। ये तो पहले 29 नंबर वार्ड से जीतते थे, उस समय हमारा वार्ड 25 नंबर था, 26 अब तो ये मिला जुला सरकार है, मिली जुली सरकार है, अब सब एक 25-26 सब एक हो गया। अब पहले पहले ये उन्होंने हमारे मोहल्ले में प्रस्थान किया आने का, नेता जिनके बारे में हम सुने हैं कि काम ये कराते हैं बढ़िया, और आपने वार्ड में काम किए हैं है? तो नहीं ना कुछ आए हैं तो हम ऐसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छे नेता है ना, इनके बारे में हम सुने हैं, हम लोग का सपोर्ट है, इनको आगे बढ़ाया जाए और इनको आगे जिता कर देखा जाए कि ये कैसा काम करता है हमारे वार्ड में। ठीक है, तो नाम बताइए। सूरज सिंह कुशवाहा, भूतपूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी, टाउन क्लब सिवान। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कितना काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, कभी भी गरीब आदमी आवाज देता है दौड़ के आते हैं हम लोग के पास, हम लोग को हर एक चीज से मदद करते हैं। सब विकास किए? हाँ हाँ किए हैं। कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो इनको थोड़ा बड़ा तक कोई भी लगाता है, मगर काम सब किए हैं, हम लोग खुश हैं। विरोधी पार्टी कहता है कि काम ही नहीं किए, क्या करिएगा इसको? तो कहना मुंह किसी के कहने पर रोक है, कोई भी कुछ कह सकता है। आपके तरफ है ना पूरा? हाँ हाँ हाँ, अरे उनका घर है, 5 तो वोट है, हम लोग देंगे। और हमारा नाम नजमा खातून है, जीता जीता जाइए। हाँ हाँ सही में, हाँ सही में, मंसूर भैया जिंदाबाद, एक वादा जरूर जनता से कहेंगे कि हम वादा करते हैं और वादा पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो जो जनता कहेगी हम वो मानने के लिए तैयार है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पहले डायलॉग होता है सबका कि पहले नेता लोगों के चरण में, फिर लोग नेता के चरण में, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि वो नेता कोई और होगा, लेकिन हम नेता कुछ और हैं, कल भी नेता नहीं थे तब भी करते थे, और आज नेता है तब भी करते हैं, कल नहीं रहेंगे तब भी करेंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है जहाज अयुराम छाप, 4 नंबर पर है,
मैं सभी जनता से आग्रह करेंगे कि जनता हमारे साथ देने की कृपा करें, हम उनके साथ जरूर रात दिन गले में गले मिलकर रहेंगे। हम तो मान लीजिए जनता के साथ एक बजे दो, आप भी जानते हैं और लगभग सारे लोग जानते हैं कि दो दो बजे रात की जहाँ जरूरत पड़ता है घर चाहे दरवाजा हम जाते और आते हैं, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। इसलिए हमको अगर किसी की खिदमत करते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलता है और दिल से खुशी होता है कि हम किसी के साथ किसी के काम आए, किसी के अच्छे और बुरे में हम काम आए। ये हम जनता से जरूर कहते हैं, नहीं आज तक ऐसा कभी नहीं करे हैं ना करेंगे, कभी आज तक नहीं हो सकता। दोनों धर्मों को लेकर चलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई और कभी रहेंगे, ये मेरा वादा है। आज वोट मांगने आए हैं, अगर हम जीत जाएंगे तो फिर इस गली में आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि गली में नहीं आएंगे। हम वार्ड नंबर 29 में किसी दिन ऐसा नहीं है कि हमने वार्ड नंबर 29 को छोड़ा है, जीतने के बाद भी 5 साल तक दौरा करते हैं, ये आप भी जानते हैं। बहुत सारे वीडियो लिए हुए, बहुत सारे लोगों से बात भी किए हुए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं।